नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि राय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों के साथ। जो है छत्तीसगढ़ भाजपा में दूसरी सूची को लेकर के हुए तनाव के बीच अचानक प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव दिल्ली पहुंचे हैं। गुरुवार सुबह वो रायपुर से रवाना हुए थे और खबर अब ये आ रही है कि छत्तीसगढ़ संगठन के कुछ और नेताओं को भी साव के साथ दिल्ली बुलाया गया है। केंद्रीय नेतृत्व अचानक चुनावी मामले पर एक बैठक करने जा रहा है। अरुण साव के यूं अचानक दिल्ली रवाना होने को लेकर के कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। खबर ये भी सामने आ रही है कि संगठन में पिछले दिनों टिकट बंटवारे को लेकर मचे घमासान की वजह से नाराजगी है और इस मामले पर चर्चा करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष साव को दिल्ली बुलाया गया है। केंद्रीय चुनाव समिति के राष्ट्रीय नेताओं के साथ साथ छत्तीसगढ़ चुनाव संचालन की जिम्मेदारी संभाल रहे ओम माथुर, मनसुख मंडाविया भी साव के साथ गुरुवार को होने वाली बैठक में शामिल हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष प्रवीण वर्मा को और सदस्य के पद पर संत कुमार नीताम को नियुक्त किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है। साल 2021 में CGPSC रिजल्ट विवादों में घिर गया था, जिसके बाद अध्यक्ष टामन सोनवानी को हटा दिया गया। प्रवीण वर्मा अब तक आयोग में सदस्य की जिम्मेदारी निभा रहे थे। वहीं बुधवार को सामान्य विभाग की तरफ से जारी अधिसूचना के अनुसार राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 316 के खंड 1 क में प्रत्यय और प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग 2001 के विनियम में निहित करते हुए प्रावधानों के तहत आयोग के सदस्य प्रवीण वर्मा को छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों से लड़ने के लिए बनाई गई बस्तर बटालियन अब नक्सलियों के निशाने पर है। बीजापुर बस्तरिया बटालियन के एक जवान का नक्सल संगठन द्वारा अपहरण किए जाने की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि AR मनार गांव का जो निवासी आरक्षक शंकर कुटियम 6 दिनों से लापता है। वर्तमान में भी वो बीजापुर पुलिस लाइन में पदस्थ है और सूत्रों के हवाले से खबर ये भी सामने आ रही है कि 29 सितंबर को भैरमगढ़ थाना क्षेत्र के उसपरी गांव से जवान को नक्सली अपहरण कर ले गए। परिजनों में खौफ के कारण अब तक पुलिस में आधिकारिक तौर पर कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बस्तर दौरे के बाद कांग्रेस भाजपा के बीच सही और झूठ को लेकर जुबानी जंग तेज हो गई है। कांग्रेस ये कहकर भाजपा को घेर रही है कि प्रधानमंत्री एक बार फिर से झूठ बोलकर चले गए हैं। इस पर भाजपा ने पलटवार किया है और कांग्रेसियों को अपने गिरबान में झांकने को कहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने आरोप लगाया है कि भाजपा नगरनार संयंत्र की निजीकरण की पक्षधार है, इसलिए बस्तर की जनता की भावनाओं के विपरीत बयानबाजी कर निजीकरण को सही ठहराने की कोशिश कर रही है। छत्तीसगढ़ के खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया।